गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री मनसुख मांडविया जी, और इसी क्षेत्र के सभी महानुभाव उपस्थित, सभी साथी, मुझे कहते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारा दहेज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। शायद ही देश का कोई जिला ऐसा होगा कि जिसके लोग हमारे इस दहेज में रोजी रोटी न कमाते हो और यहाँ रह करके दूर सुदूर गांवों में अपने परिवारों को की परवरिश न करते हो। भाइयों बहनों, पूरे देश में और विश्व में सदियों से गुजरात की व्यापारिक सोच और साहसिकता, इसकी एक गूंज सब दूर सुनाई देती है। गुजरात की उस ऐतिहासिकता को उजागर करने में दहेज, भरूच, इस क्षेत्र ने भी अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेवारी थी तो अनेक बार इस क्षेत्र में मुझे आने का अवसर मिला, विकास के संबंध में विचार विमर्श करना, नई नई योजनाओं को आकार लेना और उसको गति देना। तो मेरा एक निरंतर प्रयास, और इस जगह को मैंने ब्रिक बाय ब्रिक मजबूत होते और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुआ अपने आंखों से देखा है। पिछले 15 वर्षों में दहेज के विकास के लिए गुजरात सरकार ने भगीरथ प्रयास किए हैं। आज उसी का परिणाम है कि दहेज का पूरा इलाका औद्योगिक दृष्टि से न सिर्फ गुजरात में लेकिन हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। दोस्तों, ये गुजरात सरकार की लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि दहेज एसईजेड दुनिया के टॉप 50 औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी जगह बना पाया। ये भारत का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र था जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में इतनी धमाकेदार अपनी एंट्री दर्ज की थी। 11-12 में तो दहेज एसईजेड की वर्ल्ड रैंकिंग 23rd थी, 23 नंबर पर हम पहुंच गए थे। आज भी दहेज एसईजेड विश्व के कुछ गिने चुने औद्योगिक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान रखता है, यानी एक प्रकार से इसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो गई है। अरे, किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी गुजराती के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह क्षेत्र सिर्फ गुजरात के नहीं, देश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब तक इस क्षेत्र में
कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो चुका है। दहेज ऐसी जेड की शानदार कामयाबी के लिए मैं इससे जुड़े लोगों को, आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। दहेज और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में गुजरात सरकार ने हमेशा गंभीरता दिखाई। इसी वजह से जब ये चर्चा शुरू हुई कि देश में 4 पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी PCPIR बनाए जाएंगे, तो उसमें गुजरात के दहेज का नाम भी था। PCPIR की वजह से 1,25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और इनमें से 32,000 तो ऐसे हैं जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं। एक अनुमान है कि जब यह हमारा PCPIR अपनी पूर्ण क्षमता पर जब विकसित होगा तो करीब करीब 8,00,000 लोगों को किसी न किसी तरीके से रोजगार देने की ताकत रखता होगा। PCPIR की वजह से दहेज और भरूच के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की वजह से बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। आज दहेज का SEZ PCPIR और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत ही वाइब्रेंट औद्योगिक स्थल बन चुका है। एक ऐसे शिशु की तरह जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता बढ़ता हुआ देखा है, और इसलिए इसके साथ मेरा भावात्मक लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। दहेज SEZ और PCPIR को 4 चांद लगा अगर किसी ने लगाए हैं तो वो है ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड यानी OPAL, OPAL यहां के लिए एक एंकर इंडस्ट्री की तरह है। ये देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। इस एक प्लांट में, मैं पूरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, इस एक प्लांट में 30,000 करोड़ रुपयों का निवेश, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इतनी बड़ी अमाउंट लग चुकी है साथियों, आज भारत में पॉलीमर्स का पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 10 किलो है, जबकि पूरे विश्व का औसत लगभग 32 किलो है। आज जब पूरे देश में मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, शहरों का विकास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पॉलीमर्स के पर कैपिटा कंजम्पशन में भी बहुत बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है। ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पॉलीमर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कई अहम सेक्टरों में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, पैकेजिंग, इरिगेशन, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर, सब यानी कोई भी नाम लीजिए, हर जगह पे उसकी मौजूदगी है। केंद्र सरकार के
मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्टों में भी ओपेल का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक अनुमान है कि 2018 तक यानी एक साल के बाद पॉलीमर्स में ओपेल की हिस्सेदारी लगभग 13% हो जाएगी। पॉलीमर्स का इस्तेमाल बढ़ने का सीधा मतलब है कि जो परंपरागत चीजें हैं जैसे लकड़ी, कागज, लोहा, मेटल, इनका उपयोग कम होता जाएगा, यानी ये हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सहायक सिद्ध होगा। देश में पेट्रोकेमिकल सेक्टर इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 दशक तक ये सेक्टर 12 से 15% की रफ्तार से बढ़ेगा, 12 to 15%। दोस्तों, भविष्य में इस क्षेत्र में और भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिसमें पोर्ट का आधुनिकीकरण, 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन एवं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इसकी योजना में है। निश्चित तौर पर इससे देश के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्रमिकों की सुविधा के लिए, जॉब मार्केट के विस्तार के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाकर इस पर सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। सरकार वर्षों पुराने कानूनों को हटाकर या फिर उनमें आवश्यक बदलाव करके भी जॉब मार्केट का विस्तार कर रही है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में सुधार करके अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाई गई और अप्रेंटिस के दौरान मिलने वाले भुगतान में भी बढ़ोतरी कर दी गई। 1948 के फैक्ट्री एक्ट में बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वे महिलाओं को रात्रि में काम करने के लिए सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा पेड मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। श्रमिकों की मेहनत की कमाई और बचत ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है, ये राशि उन्हें कहीं भी कभी भी मिल सके, इसलिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने की शुरुआत की गई है। आपको जानकर के हैरानी होगी, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी ली तो सरकार के खजाने में करीब 40,000 करोड़ रुपया सड़ रहे थे। मैंने पूछा क्या है भाई, तो ये गरीब मजदूरों के पैसे थे, ईपीएफ में लिए गए, काटे गए, किसी का 200 होगा, किसी का 1,000 होगा, किसी का 2,000 होगा। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी या ट्रांसफर हो गई, अब वो 200-500 रुपया लेने के लिए वापिस कहां जाएगा, पड़े थे। हमने ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देकर के अब कोई भी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो वहां भी अपने उन पैसों को निकाल सकता है, उसका हक बना रहेगा। और उन 40,000 करोड़ रुपयों को मजदूरों को खोज खोज करके वापस देने का काम चल रहा है। गरीब के लिए कैसे काम किया जा सकता है ये इसमें देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जहां रोजगार बढ़ने की विशेष संभावना है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, मैं मानता हूं यह बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है और उसके अनुरूप फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत
श्रमिकों को रोजगार देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में पूरे 365 दिन खुले रह सके उसके लिए भी राज्यों को एडवाइस दी गई है। आप हैरान होंगे, बड़े बड़े मॉल सैटरडे भी चले, संडे को भी चले, रात को 10 बजे भी चले, 12 बजे भी चले, लेकिन छोटा व्यापारी उसको कंपलसरी हफ्ते में एक दिन बंद रखो, शाम को 8 बजे के बाद बंद कर दो। मैं समझता नहीं हूं कि ऐसे कानून क्यों बनाए गए। हमने परिवर्तन किया है, छोटा व्यापारी भी अगर उसके पास समय है, बैठना चाहता है, एक आध आदमी को रोजगार देगा, भले रात को 12 बजे तक अपना काम चलाए, सातों दिन चलाए। तो सरकार ने परिवर्तन किए हैं ताकि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो व्यवस्थाएं हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और अधिकतम लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हो। साथियों, 2014 में सरकार बनने से पहले देश के सामने किस तरह की आर्थिक चुनौतियां थी ये आप सभी को भलीभांति पता है। महंगाई बेकाबू थी, आपने देखा होगा, पूरा अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, सब पॉलिटिकल पार्टियां अनाप शनाप जो भी हम पर कह सकते थे कहते थे, लेकिन पूरे चुनाव अभियान में महंगाई को लेकर के इस सरकार पर कोई आरोप नहीं हुआ। अब ये ऐसे समाचार होते नहीं इसलिए कोई लेता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ लेकिन किसी विरोधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर चुनाव में चर्चा नहीं की। इसका मतलब कि बेकाबू जो महंगाई थी उसको रोकने में ये सरकार सफल हुई है। और भी प्रयास हमारे निरंतर चलते रहते हैं। भाइयों बहनों, देश में निवेश और निवेशकों दोनों का भरोसा घट रहा था। निवेश घटने के सीधे आसार इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर पड़ रहा था, लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चुनौती को केंद्र सरकार ने सुलझाने का प्रयास किया। एक तरफ जहां पूरे विश्व में आशंका के बादल हैं, वहीं भारत एक वाइब्रेंट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पिछले साल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को वर्ष 2016 से 2018 के बीच दुनिया की टॉप 3 प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमी में अंकित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 55.5 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड विदेशी निवेश एक कैलेंडर ईयर में हुआ है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक हुए निवेश से ज्यादा है। 2 वर्ष में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 32 स्थान ऊपर आया। इतना हम पीछे थे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2014 में 54वें स्थान पर था, 54। 2016 में भारत ने इस रैंकिंग में काफी सुधार करके हम 54 से 35 पर अब पहुंच गए हैं। मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव बन चुका है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने इसकी कामयाबी की प्रशंसा की है। मेक इन इंडिया एक प्रयास है भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने का।
इसी मुहिम के चलते आज भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। दो साल पहले भारत 90वें नंबर पर था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है। इसका उदाहरण ग्रॉस वैल्यू एडिशन की विकास दर है। वर्ष 2012 से 15 के बीच करीब 5-6% के आगे पीछे हम रहते थे, पिछले साल ये बढ़कर के 9.3% तक पहुंच गई है, 9% से ज्यादा पहुंच गई है। आज भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश हो गया है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट सरकार की प्राथमिकता है। सागरमाला योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। हमारे नितिन गडकरी जी उस कार्य को देख रहे हैं। पोर्ट्स का आधुनिकीकरण, नए पोर्ट्स का निर्माण, कनेक्टिविटी के सुधार पर बल, पोर्ट लेड औद्योगिकरण और कोस्टल कम्युनिटी के विकास की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जा चुका है और 1 लाख करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। रेलवे और पोर्ट्स की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। इस सरकार का नया इनिशिएटिव है। देश के विभिन्न हिस्सों में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स प्रस्तावित है। गुजरात में 85,000 करोड़ की लागत से 85,000 करोड़ की लागत से 40 से अधिक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं। 5,000 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कांडला पोर्ट पर कुछ बहुत बड़ी योजनाएं शुरू की गई है। कांडला पोर्ट की वर्तमान क्षमता तो बढ़ाई जा रही है, इसके अलावा 1400 एकड़ में स्मार्ट औद्योगिक सिटी का विकास किया जा रहा है। इससे लगभग 50,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। 2 नई कार्गो जेटी और 1 ऑयल जेटी पर काम चल रहा है। विंड पावर प्रोजेक्ट और रूफ सोलर प्रोजेक्ट भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। नवंबर में, जब मैं नवंबर कहता हूं तो सबका ध्यान विशेष जाता है, दिवाली के बाद नवंबर में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए गए फैसले के बाद न जाने ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए, ऐसी अफवाहें फैलाई गई, ऐसे भ्रम फैलाए गए, ऐसे आरोप लगाए गए कि अब सब तबाह हो जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को तो तकलीफ होनी थी, लेकिन पिछले क्वार्टर का जो रिपोर्ट आया है, पिछली तिमाही के जो आंकड़े हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि दिवाली के बाद हुई इस कार्रवाई का दुनिया के बड़े बड़े संगठनों और जानकारों ने समर्थन किया है। जीडीपी सोचने से सोचा गया था इतनी कम होगी, इतनी कम होगी, कुछ नहीं हुआ, देश तेजी से आग बढ़ रहा है। भैया,
एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक ने कहा कि भारत के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और सकारात्मक होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि यह फैसला पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करेगा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। वर्ल्ड बैंक के सीईओ मैडम क्रिस्टा लीना जॉर्जियावा, उन्होंने कहा कि इस फैसले के समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और भारत ने जो किया है उसकी दुनिया के दूसरे देशों ने स्टडी करनी चाहिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री श्रीमान नजीब रजाक, उन्होंने इस फैसले को बहुत ही साहसिक बताया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी इस फैसले का समर्थन किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं, उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र एवं बैंकिंग सिस्टम के दायरे में आ जाने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ी सुरक्षा का एहसास आएगा। ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स के प्रमुख आर्थिक विषय पर लिखने वाले और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मिस्टर मार्टिन वुल्फ, उन्होंने लिखा कि इस फैसले से पूंजी अपराधियों के हाथ से निकलकर सरकार के पास आएगी और पूंजी के ऐसे हस्तांतरण से जिनको नुकसान हुआ उनके लिए कोई सहानुभूति होना मुश्किल है। दोस्तों, निश्चित तौर पर जब अर्थव्यवस्था से काला धन खत्म होगा तो इसका फायदा हर सेक्टर, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, हर किसी को होगा। आज दुनिया भारत के इस साहसिक फैसले को बहुत सम्मान के साथ देख रही है। साथियों, आखिरी में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं और ये है पर्यावरण की सुरक्षा। मैंने भी पहले भी कहा है, हमें परियोजनाओं का विस्तार करते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते हुए इस बात पर भी जोर देना है कि उसकी वजह से पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुनिया के सामने विषय में डंके की चोट पर रखते आया हूं। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ किसी तरह का समझौता हमने होने ही नहीं देना और प्रारंभ से नहीं होने देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे दहेज का पूरा एनवायरनमेंट हर किसी के लिए फ्रेंडली है, वैसे ही दहेज एसईजेड भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा ही। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे इस अवसर पर आने का मौका मिला, आप सब से मिलने का अवसर मिला, इसलिए मुझे खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मीय एवं